हमारा जो मंत्री महोदय है वो हमारा बहुत लवेबल है ही इज़ अवर डियर मिनिस्टर एंड ऑन एवरी ओकेजन्स वैन एवर वी इन्वाइट हिम ही मेक इट अ पॉइंट टू बी देर सो इन दैट वे ही हैज़ बिकम आवर वेरी डियर वन सो वी हैव कम ऑल द वे टू हिम टू टू गिफ्ट हिम अ माँ काली का मूर्ति आपने देखा है एंड एकता गोष्ठी नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्सन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह बिहार में सियासत अब परिवारवाद से ऊपर परिवार पर चल रही है सभी जो एनडीए के नेता हैं वो अपने ट्विटर पर परि मोदी का परिवार लिख रहे हैं हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन अब आप भी मोदी का परिवार हो गए हैं निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब के परिवार हैं 140 करोड़ जनता के परिवार हैं क्योंकि 140 करोड़ जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी रातों की नींद को छोड़ करके जनता की सेवा में लगे हुए हैं जो व्यक्ति इतना काम कर रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर, पर परिवार ही हैं अपने आप को सबका परिवार ही मांगते हैं और कल हम उनके साथ मेरा सौभाग्य है बेतिया में मंच साझा किया था वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि हम रात दिन आपके लिए कर रहे हैं यहाँ के गरीब भाई अमीर भाई युवा भाई जितने भी हैं सब किसान भाई सब मेरे परिवार हैं तो निश्चित तौर पर जब वो हमको परिवार मानते हैं तो हम सब उनको प्यार दे रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं कि ब्या जो भारत के जो गौरव उन्होंने हासिल किया है वो गौरव को और आगे बढ़ाएं और पुनः तीसरी बार इस देश को नेतृत्व करें क्योंकि उनके नेतृत्व की ज़रूरत है हम उनके नेतृत्व में मजबूत हुए हैं हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत हुआ है चाहे कृषि का क्षेत्र हो साइंस टेक्नोलॉजी का मामला हो साइंस शौर्य का मामला हो हर चीज़ में हम आगे बढ़े हैं और हम समझते हैं कि जो उनका कमिटमेंट है जो उन्होंने बोला है वो पूरा करके दिखाया और जो हम बोल रहे हैं कि बिहार नहीं पूरे देश को हम विकसित देश में किस में शामिल करेंगे सैंतालीस में हम थर्ड इकनॉमी होंगे तो हम समझते हैं कि बिहार बिहार नहीं पूरे देश तो बिहार तो लोकतंत्र की जननी है ही पूरा देश भी विश्वगुरु बनने के लिए सोने की चिड़िया बनने के लिए अग्रसर है इसलिए हम सब मोदी परिवार हैं और मोदी परिवार एक होकर के चुनाव लड़ रहा है बिहार में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे और 400 पार का नारा बिहार से शुरू होगा जो 40 सीट यहाँ से देंगे बेतिया के सभा खत्म होती है लालू यादव ट्विटर पर मोदी जी पर हमलावर हो जाते हैं कहते हैं कि मोदी जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे वाले मुद्दे पर शर्मा जाते हैं बिहार आते हैं देखिए जहाँ तक बिहार की बात है बिहार के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूरी आस्था है पूरा विश्वास है और डबल इंजन की सरकार है लालू जी अपने पंद्रह साल को याद करें कि उन्होंने क्या किया खाली चरवाहा विद्यालय खोले हैं अभी बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है और जहाँ भी जा रहे हैं शिलान्यास कर रहे हैं कल भी बारह हज़ार आठ सौ करोड़ के शिलान्यास था हम समझते हैं कि इतने दिनों में तीन सभाएं में वो करीब एक लाख करोड़ से ज़्यादा का योजना बिहार को सौगात दी है तो और क्या उनको लालू जी को चाहिए वो अपने पंद्रह साल में कितना कर पाए क्या बजट था उनका चालीस करोड़ का बिहार का बजट था आज बिहार का बजट दो लाख उनचालीस करोड़ है तो उनको अपने आप पर देखना चाहिए बिहार की चिंता वो ना करें क्योंकि बिहार की जनता उनको अब भूल चुकी है अब गए गुजरे लोग हो गए हैं तो बिहार की चिंता जो यहाँ के युवा है वो कर रहा है बिहार की चिंता यहाँ के जो नेता जो आने वाले समय के नेता हैं वो कर रहे हैं बिहार की चिंता माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं इसलिए उनकी चिंता की हमें ज़रूरत नहीं है बिहार आगे बढ़ेगा इस यह विश्वास है और बहुत आगे बढ़ेगा बिहार भी गौरव हासिल करेगा इस देश में जो और अग्रणी राज्य जो कर रहे हैं उस स्थान पर बिहार पहुँचेगा इसे हम सोचते हैं पर लालू जी तो पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी टी पर रटे रटाए भाषण को पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनकी भी सत्ता बिहार में पंद्रह साल से है अब अगर हम पंद्रह साल की बात करें वो पंद्रह साल की बात करेंगे तो आपको ही पता होगा हम समझते हैं कि आप वो ज़माना नहीं देखे होंगे आपका उम्र अभी कम है पंद्रह साल का जो लोग ने जो देखा है जो पंद्रह साल में जिया है आज भी शहर जाते हैं हमारे साथ देखिए पापिया अधिकारी जी हैं बंगाल से आई हैं पंद्रह साल पहले सत्रह साल पहले बिहार में आई हैं वो बिहार का वर्णन आवाज़ का वर्णन वो कर रही है तो डिफरेंस तो नज़र ही आता है कोई काला चश्मा पहन ले तो उसको कुछ नज़र नहीं आए तब उसकी बात हम नहीं कर सकते लालू जी मेरे गार्जियन हैं उनको अभिभावक मानते हैं बड़ी आदर्श स्वरूप हम कहते हैं वो काला चश्मा हटा कर देखें उनको पता चल जाएगा वो जंगल राज और आज की जो स्थिति क्या, क्या है वो पता चल जाएगा कि बिहार उस ज़माने से आज कितना आगे जा चुका है और उनको जब भी कभी कभी मौका मिलता है उनको युवराज को तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है तो हम लोग इस बात के लिए सशंकित रहते हैं और इस बात के लिए करते हैं कि वो उनका शासन नहीं आए इसलिए एन बना है और जब एन डी ए में माननीय नीतीश कुमार जी आए तो सबसे पहले हम लोगों ने स्वागत किया कि आप सही जगह पर आ गए हैं बिहार के विकास के लिए आप आए हैं और आप हम सब मिलकर के हमारा एक नैतिक जिम्मेबारी है हमारा एक हमारी जिम्मेवारी है एक सिटीजन होने के नाते बिहारी होने के नाते कि बिहार को हम आगे ले जाएं और बिहार को आगे ले जाने के लिए हम सबको जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देने के लिए तैयार हैं तेजस्वी यादव ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो रोज़ बोलते थे कि अब तक सीट बंटवारा हो जाना चाहिए था एन में क्यों नहीं हो रहा है डेढ़ महीने हो गए मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ है कहाँ कहीं कोई पेच है का एन में ऐसा कोई पेच नहीं है तेजस्वी यादव जी अपनी चिंता करें एन की चिंता ना करें बेहतर होगा यहाँ सब सब चीज मंगल है सब सुलभ है और सब सहज भी हैं पूरे अच्छे वातावरण में हमारा गठबंधन है और समय आने पर सब हो जाएगा वो अपने पहले पार्टी का चिंता करें अपने महागठबंधन की चिंता करें कांग्रेस को क्या दे रहे हैं मालिक को क्या दे रहे हैं ये उनको अपनी चिंता करनी चाहिए इधर नहीं देखना चाहिए अभी सीखने की उनको ज़रूरत है सीख लेंगे तब जाके राजनीति करेंगे अभी घूम घूम रहे हैं उनको और घूमना चाहिए जितना घूमेंगे गरीब बस्तियों में जाएंगे दलित बस्तियों में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको कुछ सीख मिलेगी वो सीख उनको आगे के लिए कारगर साबित होगा इसलिए ये सब चिंता ना करें आने वाला वक्त पे बहुत जल्द सारा चीज हो जाएगा और बिना कन्फ्यूजन हो को जाएगा कोई ममरिंग नहीं होगा उनके के यहाँ तो मारपीट होता है उनके क्या तो सब आज भी दावा कर रहे हैं कि हम इतना लड़ेंगे आप नहीं सुने होंगे एन के कोई भी घटक दल इस तरह की बातें करता है क्योंकि सबको आपसी अंडरस्टैंडिंग है और सब जब आपस में एक दूसरे के प्रति सबको सहानुभूति और एक दूसरे के से सबकी कोऑर्डिनेशन है तो इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं हो जाएगा हम हम समझते हैं कि तीन चार दिनों के अंदर में ये सब बातें सब हो जाएगी और जब होगी तो आधिकारिक तौर पर आपको खबर हो जाएगा सियासी गलियारे में एक चर्चा है कि चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से बातचीत चल रहा है आप एन के घटक दल के प्रमुख हैं क्या चिराग पासवान एन में बने रहेंगे या वो महागठबंधन के रुख कर रहे हैं देखिए माननीय चिराग पासवान जी एन के एक अटूट हिस्सा हैं एन के पार्ट हैं एन परिवार में हैं और जो लोग इस तरह के धार्मिक जो बातें फैलाते हैं वो आप लोगों के माध्यम से तो हम समझते हैं कि वो इस तरह कन्फ्यूज़न फैला करके लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन ये सब करने से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब रिजल्ट आएगा अंतिम में वो आप देखेंगे कि सब मिल के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कहीं पर कोई किसी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बाकी जिसको ख्याली पुलाव पकाना है पकाने दीजिए मैंने मुंगेरी के सपने देखना है देखने दीजिए उनको लग रहा है कि हम इस तरह करेंगे तो मेरे पास चलाएंगे लेकिन इस सब आना जाना किसी का नहीं है उनको जीरो पर आउट होना है तो आउट होना है तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन फिलहाल के लिए बस इतना ही आप बने रहे न्यूज फोर्टेशन के साथ